राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी इस बार विधानसभा चुनावों में अपनी ताल ठोकी है और प्रदेश के 4 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार एवं प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सिंह डोगरा भी सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। रविंदर सिंह डोगरा ने पूर्व सीएम धूमल और कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र राणा पर भी तंज कसते हुए कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपनी प्रतिबद्धता सुजानपुर के लोगों को दिखाई है और अब जनता अपना मत डालकर फैसला करेगी तो बीजेपी कांग्रेस से दुखी जनता त्रिशंक विधानसभा बनाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं उम्मीदवार सुजानपुर रविंदर सिंह डोगरा ने दावा किया है कि सुजानपुर विधानसभा से जनता प्रचार अभियान के दौरान समर्थन दे रही है। डोगरा ने राष्ट्रीय चैनलों के एग्जिट पोल को झूठा करार देते हुए कहा कि ये सारे एग्जिट पोल मनगढ़ंत होते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार त्रिशंक विधानसभा प्रदेश में बनेगी क्योंकि प्रदेश की जनता बीजेपी कांग्रेस दोनों से ही दुखी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुजानपुर 37 विधानसभा का मैं प्रत्याशी हूं, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है तो हम कई सारे पैरामीटर्स को देख के चलते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हम बहुत बड़ी जनसभाएं या बहुत बड़ी रैलियां हम लोग नहीं कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारी सुजानपुर विधानसभा की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके अंदर अगर आपको रैली करनी है तो सिर्फ सुजानपुर चौगान में ही हो सकती है, लेकिन उस चौगान में पूरा जो क्षेत्र है वो नहीं आ सकता। तो इसलिए इस बार हमने ये मन बनाया कि हम डोर टू डोर ही सिर्फ करेंगे, यानी कि घर घर जाके हम अपना प्रचार प्रसार करेंगे और ज्यादा हमें सुजानपुर के लोगों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तप्पा लगवालती है यानी कि हमारा जो एरिया है पटनौन से लेके और कक्कड़ तक और बीच में जंगलू चारियां धार वगैरह जितना है स्पार और हमारी पंचायत गार्ड, इन सब में मैंने जितना काम किया है, चाहे वो क्या कहते हैं पेंशन का हो, चाहे वो बटेड़ का शहीद स्मारक हो, चाहे वो कालेम ककड़ियार के शहीद की माताजी को पेंशन दिलवाना हो, इन कामों को हमें बताने की घर में कोई जरूरत नहीं है। अब हम आगे की हम क्या कर सकते हैं वो हम लोगों को बता रहे हैं अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से। उसमें पहला हमारा प्रमुख ये है कि जैसे कि अन्य राज्यों में जैसे पंजाब में सिख लाइट इन्फेंट्री है, आसाम राइफल्स है, जैकरिफ है, तो हिमाचल राइफल्स या हिमाचल लाइट इन्फेंट्री क्यों नहीं है? इस बारे में बीजेपी या कांग्रेस या हिमाचल के कोई भी कद्दावर नेता या जितने भी सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन रहे उन्होंने कभी भी सेंटर से बात नहीं रही है। हालांकि इस बारे में जब मैं दिल्ली केंद्र में पार्टी की तरफ से रहता था तो मैंने कई बार पार्टी से जिक्र किया तो उनका साफ कहना था कि हिमाचल प्रदेश से आज तक किसी भी व्यक्ति ने इस बात को उठाया ही नहीं है, तो केंद्र सरकार से स्वीकृति कैसे मिलेगी। तो हमने इस बात को पुरजोर उठाया है कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के युवक युवतियों के भविष्य के लिए हिमाचल लाइन इन्वेंट्री या हिमाचल राइफल्स का गठन होना अनिवार्य होना चाहिए, जिसमें कि हिमाचल के युवाओं को आगे आने का मौका मिले हर क्षेत्र में, चाहे वो क्लर्क हो, राइफलमैन हो, बटमैन हो, कैप्टन हो, कर्नल हो, वो आगे आए। डोगरा जी, अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मुझे हार जीत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हार जीत का फर्क उन लोगों को पड़ता है जिनको कुर्सी का लालच हो। तो मैं बहुत सारी कुर्सियां हिंदुस्तान की छोड़ के आया हूं अपने प्रदेश के अंदर और पिछले 3 सालों से लगातार मैं सुजानपुर में काम कर रहा हूँ, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मुझे कुर्सी का लालच होता ही तो माननीय शरद पवार जी ने मुझे दिल्ली में बहुत बड़ी कुर्सी दे रखी थी जहां मेरे नीचे पूरा हिंदुस्तान ही था, लेकिन वो सारी कुर्सियां बड़ी बड़ी पोस्टें छोड़ के मैं अपना हिमाचल वापस आया हूं, क्योंकि दिल्ली में बैठ के मैंने ये देखा था कि जितने भी हिमाचल से लोग दिल्ली में जाते थे वो बड़े दुखी रहते थे इस कारण से क्योंकि उनकी हिमाचल में कोई सुनवाई नहीं थी और दिल्ली में भी उनकी सुनवाई नहीं थी। तो इसलिए मुझे हिमाचल वापस आना पड़ा कि कम से कम यहाँ आके उनकी बात मैं सुनूं और केंद्र सरकार तक और राज्य सरकार तक पहुंच जाऊं और उनके काम कर सकूं, और वही मैं कर रहा हूं। देखिए, जहां तक आदरणीय धूमल साहब की बात है, वो पूर्व सीएम है और उनका हम सम्मान भी करते हैं और वो पुराने नेता हैं और बड़े नेता हैं, लेकिन जब एक प्रत्याशी के सामने दूसरा प्रत्याशी आ जाता है तो बात फिर आंकलन की आ जाती है कि एक पहला नंबर की उम्र का फर्क, दूसरा नंबर कि उन्होंने हमारी सुजानपुर कंस्टिट्यूंसी के लिए क्या किया, और तीसरी और सबसे अहम बात कि भविष्य में वो क्या सुजानपुर को देना चाहते हैं। उन तीनों बातों में मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो पलड़ा है वो भारी है, क्योंकि मैंने 3 साल यहाँ पे काम किया है। दूसरी बात कि हमने अपनी भविष्य की रणनीति भी युवाओं को अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से बताई है, और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि सुजानपुर विधानसभा से सबसे युवा प्रत्याशी मैं ही हूँ, जो मेरे लिए एक अच्छी बात है। डोगरा जी, क्या मानते हैं आपकी जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों का यहाँ पे राज रहा है सुजानपुर में,
तो सुजानपुर में क्या विकास हो पाया है या नहीं हो पाया है? नहीं, अगर सुजानपुर देखिए, अगर आप सड़कों को विकास मानते हैं या बिजली के खंभों को खाली विकास मानते हैं या फिर आप डंगों को विकास मानते हैं या वाटर टैंक के निर्माण को विकास मानते हैं या आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने को विकास मानते हैं, तो डेफिनेटली वो विकास हुआ है। लेकिन जहां तक आप विकास का कंपैरिजन करेंगे कि क्षेत्र की डेवलपमेंट से या क्षेत्र के बच्चों के रोजगार से या क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों की भरमार से, तो वो कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि सुजानपुर विधानसभा में ना तो कोई नर्सिंग कॉलेज है, ना वुमेन कॉलेज है, ना सुजानपुर विधानसभा के लड़के लड़कियों के पास नौकरी है, ना उनके भविष्य के लिए यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है सरकारी या गैर सरकारी, कोई फैक्ट्री कोई उद्योग जहाँ पे वो काम कर सके। तो टोटली जो युवा है वो बेरोजगार है सुजानपुर विधानसभा के लिए। तो जब तक उनका रोजगार नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? विधानसभा सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में एक तरफ तो पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल है, वहीं कांग्रेस राजेंद्र राणा भी दिग्गज नेता है, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप, कैसे आप कैंपेनिंग कर रहे हैं? देखिए, मुझे प्रदेश की मतलब सुजानपुर विधानसभा की जनता को बताने नहीं जरूरत नहीं है कि राजेंद्र राणा जी पहले बीजेपी में थे, वो कांग्रेस में आ गए। धूमल साहब आदरणीय हमारे बहुजन छोड़ के हमीरपुर से चुनाव लड़े, वो भी यहाँ पे आ गए। तो एक जनता को तय करना है कि किसको उन्होंने चुनना है। हमारा फर्ज सिर्फ इतना है कि हमने अपनी प्रतिबद्धता जो है सुजानपुर विधानसभा के लिए दिखाई है और हमने लोगों को बताया कि देखिए 3 साल में हमने ये काम कर दिया है, आगे हम 5 साल में ये काम करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें आना चाहिए तो आप हमें चुने, वरना जो भी प्रत्याशी आपको ठीक लगता है चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको चुन लीजिए। हमारा मेन मुद्दा क्या है कि जो युवक युवतियां हैं हिमाचल प्रदेश के, उनकी रोजगार को स्थापित करना स्थायी रूप से सरकारी विभागों के अंदर। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो 28 विभाग हैं उनमें पूरे के पूरे युवक युवतियां किसी भी जिले से आते नहीं है, वो सिर्फ एक या दो में रहते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी या एचआरटीसी या कहीं कांगड़ा बैंक के अंदर। बाकी सारे विभागों के अंदर यहाँ पे तरजीह युवक युवतियों को नहीं दी जाती। हमारा मेन मुद्दा यही है कि 48 के 48 विभाग जो राज्य के हैं उसके अंदर हमारे बच्चों को हर स्तर पे उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए। देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ कि पिछले लगभग 7-8 साल से एग्जिट पोल में हर प्रदेश के देख ही रहा हूँ, तो वो सब क्या होता है कि उनकी खुद की मनगढ़ंत होती है कि उनको जो लगता है वो बता देते हैं। क्योंकि उनका फीडबैक ये होता है कि हमने इतने लोगों से ये बात करी, लेकिन वो लोग कभी टीवी पे आके नहीं बोलते कि हमने ये बात कही है या नहीं कही है। तो इस बात की कोई प्रामाणिकता नहीं होती कि जो उन्होंने कह दिया वो वाकई सही है। और जहां तक उन्होंने हिमाचल प्रदेश के बारे में जो एग्जिट पोल दिखाया है दो राष्ट्रीय चैनल में, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही गलत साबित होगा आने वाले टाइम में। क्योंकि इस बार त्रिशंकु विधानसभा हिमाचल प्रदेश में बनेगी, ये बिल्कुल तय है। इसके लोग दोनों ही पार्टियों से दुखी हैं। प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस क्या मान के चल रही है? प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार लगभग 4 सीटों पे खड़े किए हैं। ऐसे हमारे कम से कम 20 लोग और थे जो कांग्रेस और भाजपा छोड़ के आए थे, उन्होंने हमें बीच में संपर्क किया था। लेकिन वो उन्होंने हमारे संपर्क किया था चुनाव घोषित होने के बाद। अगर वो हमारे पहले संपर्क करते 6 महीने पहले भी, तो शायद हो सकता था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो 20 से 25 सीटों पर लड़ती। लेकिन हमने देखा कि लोग मतलब परस्त हैं बीजेपी कांग्रेस के। जब उनको बीजेपी या कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो वो मुझे फोन करने लगे, कोई चंबा से फोन कर रहा है, कोई सोलन से, कोई सिरमौर से, कोई ऊना से, कोई कांगड़ा से। तो मैंने पार्टी का स्टैंड अपनी तरफ से ये रखा कि हम किसी भगोड़े को या किसी मौका परस्त को हम टिकट नहीं देंगे। इसलिए हम अभी कम सीटों पर जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन हम मुस्तैदी से लड़ रहे हैं।